दोस्तों आईपीएल 2021 के 40वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को टीम में 7 विकेट से हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की। जी हां, राजस्थान रॉयल्स ने पहले खेलते हुए संजू सैमसन के 82 रनों के बदौलत 20 ओवर में 164 रनों का स्कोर खड़ा कर लिया, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने जेसन रॉय की बेहतरीन शॉट और कप्तान केन विलियमसन के 51 रनों की मदद से 19वें ओवर में ही 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीत पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम में क्रिस मॉरिस एवं एवी लुइस की वापसी हुई। भी कार्तिक त्यागी की जगह जयदेव उनादकट को टीम में जगह मिली। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में डेविड वार्नर, मनीष पांडे, केदार चादर और खलील अहमद की जगह जेसन रॉय, अभिषेक शर्मा, सिद्धार्थ कौल और प्रियम गर्ग को जगह मिली। वही बात कर राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत खास नहीं रही और दूसरे ही ओवर में 11 के स्कोर पर भुवनेश्वर कुमार ने एवेन लुइस को चलता किया। इसके संजू सैमसन यशस्वी जायसवाल के साथ दूसरे विकेट के लिए 56 रन जोड़े। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद स्कोर जब 49 रन था, तब 9वें ओवर में 67 के स्कोर पर जायसवाल और 11वें ओवर में 77 के स्कोर पर लियाम लिविंगस्टोन के आउट होने से रॉयल चैलेंजर को दोहरा झटका लगा। उसके बाद सैमसन ने महिपाल लोमरर के साथ मिलकर टीम को 14वें ओवर में 100 के पार पहुंचाया और 41 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। बता दें कि सैमसन ने 57 गेंदों में 82 रनों की लाजवाब पारी खेली और 4थे विकेट के लिए लोमरर के साथ 84 रनों की साझेदारी निभाई। आखिरी ओवर में सिद्धार्थ कौल ने संजू सैमसन और रियन प्राक को चलता किया। महिपाल लोमर ने 28 गेंदों में 29 और राहुल तेवतिया खाता खोले बिना नवाद रहे। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से सिद्धार्थ कौल ने 2 और संदीप शर्मा, भुवनेश्वर कुमार एवं राशिद खान ने 1-1 विकेट लिए। बता दें कि लक्ष्य के पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में जेसन रॉय ने वृद्धमान शाह के साथ मिलकर टीम को 57 रनों की तेजतर्रार शुरुआत दी और पावर प्ले के 6 ओवर के बाद स्कोर 63 रन था। रॉय ने 42 गेंदों में 60 रनों की बढ़िया पारी खेली और केन विलियमसन के साथ मिलकर टीम के 11वें ओवर में 100 के पार पहुंचा दिया। हालांकि 12वें ओवर में 114 के स्कोर पर रॉय और 13वें ओवर में 119 के स्कोर पर प्रियन प्राग के आउट होने से सनराइजर्स हैदराबाद को दोहरा झटका लगा। केन विलियमसन ने 41 गेंदों की 51 रनों की संभरी हुई पारी खेली और अभिषेक शर्मा 16 गेंदों में 21 के साथ 4थे विकेट के लिए 48 रन जोड़कर टीम को 19वें ओवर में 9 गेंद शेष रह के जीत दिला दी। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान, महिपाल लोमरर और चेतन शिकारिया ने 1-1 विकेट झटके।